वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि प्रिंस को पता चल जाता है कि उस रात ली चान सिंह ने उन्हें किस करा था, वो कोई सपना नहीं था। और वहीं ली चान सिंह अपने फादर से मिल लेता है और ली चान सिंह के फादर उससे बोलते हैं कि प्रिंस उसके दुश्मन हैं और वो उन्हें दोस्त नहीं मान सकता। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले अपना काम कर रहे हैं, अटेंशन प्लीज इवैक्यूएट। वहीं मॉनिटर के फादर यानी कि बॉस मू मॉनिटर से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? युइज़ू, पापा आप आ गए। और वो रोने लगती है। बॉस मू उसे गले लगाते हैं और बोलते हैं, स्वीट हार्ट थैंक गॉड तुम ठीक हो। और वो मन में सोचते हैं, तुमने देखा मैंने इस बार देरी नहीं करी अपनी बच्ची को बचाने में। हनी तुम खुश हो ना? और सीन चेंज होता है, हमें प्रिंस दिखाए जाते हैं। वो कुछ सोच रहे थे। उन्हें ऐसा देख फायर ब्रिगेड वाले बोलते हैं, हमें रॉयल हाइनेस को चेक करना चाहिए। नहीं तुमने देखा नहीं, उनका पूरा चेहरा लाल हो गया है, कहीं जलन की वजह से तो नहीं? दूसरा बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, गया तो था पर योर हाइनेस ने ही मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो ठीक हैं, तो यानी ठीक ही होंगे। हो सकता है उनका चेहरा लाल इसीलिए पड़ रहा हो क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव है। वहीं प्रिंस मन में सोचते हैं, कुछ देर पहले हमने उस किस को इनकार क्यों नहीं करा, बल्कि हमें एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ। ली चान सिंह को कैसा लगा होगा? क्या उसने भी वही फील करा जो हमने करा, या फिर वो बस भागना चाहता था? और वो सोचते हैं, पर ली चान सिंह कहाँ है? कुछ देर पहले तो वो हमारे पीछे ही था, एकदम से कैसे गायब हो गया? तभी एक वर्कर प्रिंस से बोलता है, योर हाइनेस हमारे साथ जो लड़का आया था उसे किडनैपर ले गए हैं। प्रिंस, क्या? और प्रिंस ऊपर देखते हैं, हेलीकॉप्टर की खिड़की से ली चान सिंह प्रिंस को ही देख रहा था। प्रिंस ली चान सिंह को देखते हैं, वो बोलते हैं, ली चान सिंह, क्या वो और ली चाओ शेंग मिल गए हैं? क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ के जा रहा है? और वो हेलीकॉप्टर के पास भाग रहे होते हैं, पर वो सीधा रुक जाते हैं। पर हमें अभी रियलाइज हुआ कि हम उसके लिए क्या फील करते हैं। और सीन चेंज होता है। रॉयल प्राइवेट हॉस्पिटल यिनजीवी वार्ड में बोलता है, मॉनिटर देखो मैं जीत गया, अब मुझे रिवॉर्ड अपना कब दोगी? मॉनिटर के फादर बोलते हैं, हाँ तुम लोगों ने क्या बैट लगाई थी? मॉनिटर ब्लश करने लगती है, ओह वो पापा वो। तभी यिनजीवी बोलता है, अरे इतना धीरे क्यों बोल रही हो? जब मैं और मॉनिटर किडनैप हुए थे ना, तो मॉनिटर ने मुझसे कहा था कि आप नहीं। तभी मॉनिटर यिनजीवी का मुंह बंद कर देती है और धीरे से बोलती है, ओके तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? यिनजीवी मॉनिटर का हाथ पकड़ता है और ब्लश करते हुए बोलता है, वेल मैं तुम्हें बता दूंगा जब मुझे चाहिए होगा। और वो मन में सोचता है, असल में तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे नहीं लगता इससे अच्छा रिवॉर्ड मुझे और कुछ भी मिलेगा। और वो दोनों ऐसे ही हंसते हंसते बात कर रहे होते हैं, तभी प्रिंस अंदर आते हैं। बॉस मू प्रिंस के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? और सीन चेंज होता है। बॉस मू और प्रिंस बेंच पर बैठे हुए थे। बॉस मू बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें ली चान सिंह की काफ़ी चिंता हो रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफ़ी परेशान हो कि कहीं तुम और ली चान सिंह दोस्त से दुश्मन ना बन जाओ। हाँ हालांकि ली चाओ शेंग में काफ़ी नफरत भरी पड़ी है हमारे लिए, लेकिन ये भी है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, तो तुम ली चान सिंह की सेफ्टी के लिए इतनी चिंता मत करो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। प्रिंस, थैंक यू अंकल शू। तभी बॉस मू बोलते हैं, जाने दो, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, 15 साल पहले ली चान सिंह की फैमिली को जला दिया गया था। मैंने फैमिली मेंबर्स को तो बचा लिया और उन्हें एक छोटे से गांव में शिफ्ट भी कर दिया ताकि वो लोग अपना जीवन
शांति से बिता सके। पर फिर अगले ही साल डुवलन ने कोच कूप लॉन्च कर दिया। उस समय रॉयल फैमिली का चीफ एडवाइज़र मैं था, इसीलिए मैंने महारानी की हेल्प करी कि मैं तुम्हें उसी गांव में पहुंचा सकूं। और इत्तेफाक से तुम और ली चौन सिंह एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। काफ़ी स्वीट था, पर मैंने एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि 14 साल बाद तुम दोनों, जो कि इतने सालों से एक दूसरे से जुदा थे और इतने सालों से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, पर तुम दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए कभी नहीं बदली। और बॉसमू याद करते हैं कि ली चौन सिंह ने बॉसमू से बोला था, ये काफ़ी अच्छा होगा अगर मैं उसकी मदद कर पाऊँ तो। और वहीं प्रिंस ने बॉसमू से कहा था, ली चौन सिंह की सेफ्टी के लिए हम उसे सच बाद में बता देंगे। और बॉसमू स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों फिर मिले और फिर से दोस्त बने। तुम्हारी दोस्ती कभी छुपी ही नहीं थी इन 14 सालों में, बस तुम एक नए तरीके से मिले। प्रिंस मन में सोचते हैं, ली चौन सिंह। तभी बॉसमू बोलते हैं, मुझे लगता है। और वो कुछ देर बाद पॉज लेने के बाद बोलते हैं, मुझे लगता है तुम दोनों में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो कि समय और उपाधि के परे है, कुछ ऐसा जो कि तुम्हें पास लाना चाहता है। तभी तो तुम दोनों 14 साल बाद भी एक दूसरे से मिल पाए। प्रिंस मन में सोचते हैं, ली चौन सिंह ही लिटिल पोटैटो है। बॉसमू तभी प्रिंस के कंधे पर थपथपाते हैं। मैंने ये सब इसीलिए कहा ताकि एक चाबी की तरह इस्तेमाल हो और तुम अपना दुख भुला सको, समझे? तो फिर इतनी टेंशन मत लो। और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स जनरेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, उन्हें तुम सॉल्व करो। मुझे पता है तुम कर लोगे। प्रिंस खड़े होते हैं और कुछ नहीं बोलते। बॉसमू को समझ नहीं आता। तभी प्रिंस जाते हुए बोलते हैं, थैंक यू अंकल शू, फिलहाल हमें कुछ करना है। और वो चले जाते हैं। बॉसमू मन में सोचते हैं, इसे क्या हो गया? कहीं इस वजह से तो नहीं कि मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी और इतने सारे सीक्रेट्स इसे हजम ना हुए हों? हाँ। वहीं प्रिंस अकेले गार्डन में चल रहे होते हैं। चलते चलते वो रुक जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि प्रिंस रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो मन में सोचते हैं, लिटिल पोटैटो, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, पर ली चौन सिंह तुम कहाँ चले गए हो? और वो ऊपर की ओर देखने लगते हैं। कितना अजीब है ना गाइस, सच पता चल गया है जो प्रिंस कब से जानना चाहते थे। पर अब पता चल गया है तो ली चौन सिंह ही नहीं है, और दिक्कत ये है कि प्रिंस कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय इंतज़ार के। और सीन चेंज होता है। प्राइवेट ईस्टेट, ली चौन सिंह विला के टेरेस पर खड़ा हुआ था और मन में सोचता है, पता नहीं तुनान क्या कर रहा होगा, मैं उसे बिना कुछ बोले छोड़ के आ गया, उसे चिंता हो रही होगी, है ना? तभी पीछे से ली चौन सिंह के फादर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? देखो 10 सालों से मैं यही सब कर रहा था, तो अब से ये सारा कारोबार तुम्हारा है। ली चौन सिंह बोलता है, डैड क्या आप ग्रैंडमा से नहीं मिलेंगे? वो मुझसे हमेशा कहा करती थी कि आपका दूसरा परिवार है और आपने दूसरी शादी कर ली है, उन्हें नहीं पता कि आप अभी जिंदा हैं कि नहीं। ली चौन सिंह के फादर बोलते हैं, उस वक्त रॉयल हाइनेस ने हमारे घर में आग लगवा दी थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर फिलहाल सही वक्त नहीं है। अगर मैं मिला तो रॉयल हाइनेस तुम्हारी ग्रैंडमा के घर में फिर से आग लगवा देंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बेटा, पर फिलहाल सही वक्त नहीं है। ली चौन सिंह चिल्लाता है, नहीं डैड, तुनान ऐसा नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है। उस साल जो कुछ भी हुआ था, तुनान उस पर ढंग से इन्वेस्टिगेशन करेगा और आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगा। तभी ली चौन सिंह के फादर चिल्लाते हैं, बेटा तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, उसका खून भी रॉयल लोगों की तरह है,
औरों के लिए फीलिंग्स, ये रॉयल लोग कभी भी ऐसी चीज़ों को मायने नहीं रखते। तुम्हारा दोस्त तुनान है, उसी का बाप तू युआन, वो भी मेरा दोस्त था। मेरे संग क्या हुआ तुम अच्छे से जानते हो, है ना? ली चानसिंग बोलता है, डैड, पर इन सब से तुनान का कोई लेना देना नहीं है। वो तब बस 4 साल का था। मैं नहीं जानता एम्ब्रोजियन कैसे थे तब, पर मैं तुनान को जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा है और हमेशा सच के आगे खड़ा होता है। ली चानसिंग के फादर चिल्लाते हैं, मेरे से बहस मत करो, तुम्हें पता है मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ? वो सारे भाई मेरे जो मर गए थे, मुझे अभी भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो। और वो पुराना वक्त याद करते हैं जब उनके भाई मर रहे थे और आखिरी बार चिल्ला रहे थे कि उनकी कोई मदद करे, पर वहाँ कोई नहीं आता। ली चानसिंग के फादर रोने लगते हैं और बोलते हैं, शाओ जेंग, तुम मेरे बेटे हो, तुम हमारे दुश्मन की मदद नहीं कर सकते। और वो जाने लगते हैं। ली चानसिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, डैड सुनिए, पर ली चानसिंग के फादर बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं रॉयल फैमिली से अपना बदला लेकर रहूँगा। ली चानसिंग उन्हें जाते हुए देखता है और मन में सोचता है, डैड मैं आपको और इस तरह अकेला नहीं देख सकता कि आप ये सारा बोझ अकेले संभालें और ऐसे ही घुटते रहें, पर तुनान। और वो आसमान की ओर देखने लगता है, तुनान हमारी ज़रूर मदद करेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।